जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello kids, hope you all are very fine and studying well at home. So this is our last chapter for first semester and this is from our main literature book, that is Honeycomb. Okay, the chapter's name is Quality, chapter number 5, and it is by John Galsworthy. In this chapter we are going to read about a cobbler, the one who is a shoemaker, jisko hum bolte hain, a shoemaker who makes very fine shoes, jiska pura art tha shoes banana, and he was completely dedicated towards his work. Okay, so every one of you carry a pencil in your hand to underline the hard words. Now I am starting it up. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Of course, हम shoemaker को artist बोल सकते हैं because it is also an art to make shoe. ठीक है ना, we should never think of like कि कोई भी काम it's like grade में हम जिसको करें कि नहीं ये काम तो छोटा है, we cannot do this work. ठीक है ना, तो ये कुछ हद तक उस चीज़ को एक्सप्रेस करती है ये लाइन। ठीक है, मिस्टर जेसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। उनके लिए जो शू मेकिंग था दैट वॉज एन आर्ट, तो ये स्टोरी उससे रिलेट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट इट अप। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज, ऑथर इज सेइंग, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। कह रहा है कि मैं बचपन से उसको जानता हूँ क्योंकि मेरे पापा के शूज़ वही बनाते थे और दोनों भाइयों की शॉप थी, छोटी सी शॉप थी जो कि अच्छे लंडन के फैशनेबल पार्ट में बाय स्ट्रीट यानी गली में से जाके एक छोटी स्मॉल शॉप थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, अंडरलाइन करते रहेंगे वर्ड्स को ना जो आपके लिए न्यू है। ठीक है, डिस्टिंक्शन कि उसकी एक स्पेशल क्वालिटी थी। कैसे डिस्टिंक्शन, मतलब बाकियों से उसको अलग करना। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ जेसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। मतलब उसका ये डिस्टिंक्शन थी कि फैशनेबल स्ट्रीट पे थी तो लोगों की होर्डिंग्स और लाइटिंग और काफ़ी कुछ इतना अट्रैक्टिव होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो लेकिन जो उनकी शॉप थी इट वॉज हैविंग नो साइन बोर्ड एक्सेप्ट देन एक नाम लिखा हुआ था जेसलर ब्रदर्स उसके वहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ था और कुछ विंडो ग्लास वाइन कुछ उनके पेयर ऑफ बूट्स पड़े होते थे जो उन्होंने बनाए होते थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, सिर्फ उतने ही बूट बनाते थे जितने उनको ऑर्डर मिलता था और वो ऐसे बनाते थे नेवर फेल टू फिट कि इतना अच्छा साइज बनाते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कंप्लेन हो उनको। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। मतलब मैं इतना हैरान होता हूँ कि ऐसे भी कोई बना सकता है इतने अच्छे बूट्स। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to Mr. Jessler, and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it's an art. मतलब it is an art, कहता कि मैंने बोला था कि आपको ये अजीब नहीं लगता कि ऐसे किसी के पैर का नाप लेके शूज बनाना, तो उन्होंने एक स्माइल के साथ मुझे बोला it is an art, ये एक आर्ट है, I am loving it. It was not possible to go to him very often, his boots lasted terribly, having something Beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. मतलब आपको बार बार उनके पास जाना ही नहीं पड़ता जो वो बनाते थे, that was too lasting. काफ़ी चलने वाले शूज़ होते थे, कुछ ऐसा temporary नहीं होता था। ठीक है ना, और कुछ एक ऐसा essence डालते थे कि जो उसमें stitch हो जाती थी, उसकी खुशबू एक उनका अलग। मतलब इस बात से हमें ये पता चलता है, author wants to say he is very fond of Jessler brothers, उसको बहुत पसंद थे वो उनके शूज़ और वो सब। ठीक है, one went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the
single wooden chair waited. A guttural sound and the tip tap of his slippers, underline karte rahenge beta, beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if he awakened from some dream of boots. ठीक है, उसकी शॉप का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐसा लगता है अगर हम कहीं और शॉप जाते, इतनी शांति, जैसे हम चर्च में जाते हैं ना पीस लेने के लिए, तो ऐसे उसकी शॉप में एक बस वुडन चेयर पड़ी. यू कैन लुक इन टू पिक्चर ऑन 73 पेज टू डिस्क्राइब दिस पैराग्राफ. ओके, तो वो बंदा जो है उन्होंने ऐसे स्लीव्स फोल्ड किए हैं, लेदर एप्रन पहना हुआ है. ठीक है, तो ये सब उनका बारे में इसने बोला है ऑथर ने. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जैसलर, मैं उनको बोलता था जाके कि आप कैसे हो. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, ऐसे आप मेरे लिए बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. उनके वहाँ पे जो लेदर की या जो कोई एक एसेंस की खुशबू आ रही थी, मैं उसको ले रहा था बैठ के. उन्होंने मुझे बिना जवाब दिए वो अंदर चले गए. सून ही वुड कम बैक, जैसे ही वापस आए उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर पीस है, जो मैंने उनको रशियन लेदर बोला. विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम, एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई आस्क माई ब्रदर. तो उन्होंने बोला कि कब दे सकते हो आप मुझे. उन्होंने खुद ही बोला कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये, कितने अच्छे इसके शूज़ बनेंगे. तो उसने बोला आप कल दे दोगे, तो कहता हाँ मैं कल तक दे. उसने ऑथर ने फिर भी बोला कि जो आपको कन्वीनियंट हो तब तक आप मुझे दो. ही सेड आई विल गिव इट टू यू टुमारो. देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. उनको तो हमेशा बूट्स की ड्रीमिंग ही रहती थी. फर्स्ट में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे उनके शॉप में जाओ तो ऐसा लगता है वो सामने से हमें कुछ उनके बूट्स का ही वो ड्रीम लेकर आए हैं, और उनकी आंखों में वो बूट्स का ही रहता था कि हाँ ही वॉन्ट टू मेक द बेस्ट पेयर ऑफ बूट्स फॉर एनी वन हु हैज गिवन हिम ऑर्डर. तो मेरे निकलते ही, जैसे ही मैं उनको गुड मॉर्निंग विश करके बाहर निकला हूँ वापस, वो मेरे निकलते ही टिप टैप मुझे उनके शूज़ की सुनाई दिए अपने स्लीपर्स की, और वो ऊपर जाके अपना रूम है जहाँ पे वो बनाते थे तो वो पहुँच गए वहाँ पे. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't have creaked, it did. I am afraid you got them with before they found themselves. I don't think so. तो कह रहा है कि मैंने उनको, मेरे को याद है कि मैंने कभी बोला था कि ये जो आपसे लिए हैं शूज़ ये क्रीक्ड है, मतलब इनमें आवाज़ आ रही है. मेरे को वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता. तो कह रहा मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार सोच के ये बात उनको बोलनी चाहिए थी शायद. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट, एंड आई फेल सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग. Send them back, he said. I look at them. तो कह रहा मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत उनको बोल दिया. I really felt sorry कि मैंने ऐसी बात, जो डेड बात है उसके लिए उनको मैंने ऐसे बोल दिया कि एक बार आपके शूज़ ऐसे थे. तो उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप उनको मेरे पास लेकर आना, मैं देखूंगा, मुझे वापस देने. सम बूट्स ही कॉन्टीन्यूसली स्लोली, उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया, आर बैड फ्रॉम बर्थ. इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल. कह रहा अगर मैं उन, कहते कई जूते ऐसे होते हैं कि बनने के बर्थ यानी बनने के तुरंत बाद ही ऐसे फील हो जाते हैं कि हाँ वो ठीक नहीं है. तो अगर ऐसा होता है तो मैं उनको, आपको पैसे वापस कर दूंगा. वंस आई वेंट एबसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म. ये बात वहाँ ख़त्म हुई. तो कहते फिर एक बार मैं उनकी शॉप पर गया अचानक ही ऐसे एबसेंट माइंडेड परेशान, और मैंने एक किसी बड़ी शॉप से, लार्ज फर्म से एक जूते खरीदे थे, वो पहन के मैं उनके पास गया. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, एंड आई कुड फील हिज आइज पेनीट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट. एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स. तो कहता कि उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया तो वो मेरे पैरों को देख के बोले कि ये मेरे जूते नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट को अंडरलाइन, सोरो को अंडरलाइन करेंगे. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल. जो उन्होंने मुझे जब ये बोला कि ये मेरे जूते नहीं हैं, तो उनको ना ही गुस्सा था, ना ही दुख था, ना ही उनको कुछ शौक था इस मेरी बात को बोलने का, ना ही वॉज नॉट पिटी ऑन मी. बट उन्होंने बोला कि ऐसा लगा मुझे कि जैसे कि सब कुछ रुक सा गया हो,
उन्होंने उसी मेरे लेफ्ट फुट पे अपना हाथ लगाया कि ये शूज़ तो कंफर्टेबल नहीं है. It yours you there, he said. Those big firms, I have no self-respect. And then if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I have ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. तो वो कहते हैं कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो बेचारे बोलते हैं कि उनको कुछ शर्म तो होती नहीं, वो कुछ भी बना के बेचते हैं, लेकिन वो होते हैं बड़ी फर्म्स तो लोगों को ट्रस्ट होता है उनके नाम पर. तो कह रहा है मैंने पहली बार उनको इतना बोलते सुना था कि वो ऐसे भी बोल सकते हैं. वो शायद परेशान थे, हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड को अंडरलाइन करेंगे. इसका मतलब कि उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, जो उनका काम था. दैट वॉज यू नो ही वॉज नॉट अर्निंग वेल. उनकी कंडीशन को देख के मैंने ये गेस किया. दे गेट इट ऑल ही सेड. दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ आर बूट्स हु लव आर बूट्स. एक्चुअली है ना इट गो ये जो सब भी लिखा हुआ है ना ये थोड़ा ऐसे लैंग्वेज करके लिया. इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उनकी वजह से वो ऐड करते हैं, वो अपनी चीज़ों की शो ऑफ करते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारा काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. जबकि वो कुछ ऐसा स्पेशल करते नहीं है, बट दे आर बिग फर्म्स तो उन लोगों से लोग सामान खरीदते हैं. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस यानी उनका रिंकल वाला चेहरा, लाइंड फेस यानी बूढ़ा चेहरा, रिंकल वाला चेहरा, आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर noticed before, bitter things and bitter struggle. मतलब bitter यानी उनकी कड़वी जिंदगी, कड़वी बातें, ये सब चीज़ें मैंने कभी उनसे देखा नहीं था. What a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. जो उनकी लाल दाढ़ी थी उसके अंदर white बाल दिखने लग गए इसको, कि मतलब एकदम से क्या हुआ. मतलब he was not having good condition, क्या बोलते हैं, mentally भी and financially भी. okay, as best as I could I explained the circumstances of those ill omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years. see, तो ये सब बातें सुन के इन्होंने, ऑथर ने इतने सारे शूज उनसे बनवा लिए, और मतलब इतने सारे शूज बनवा लिए कि उनको 2 साल तक उसके पास जाना नहीं पड़ा. it was many months before my next visit to his shop. मतलब काफ़ी महीने हो गए मुझे उनकी शॉप पर गए. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. जैसे ही मैं उनकी शॉप पर गया तो मेरे को उनका बड़ा भाई मिला जो वो लेदर लेकर मेरे पास आया. वेल मिस्टर जेसलर आई सेड हाउ आर यू. ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी. आई एम रेडी वेल यानी प्रिटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. ओ, तो उनको ये सुनने को मिला कि देखो मैं तो ठीक हूँ लेकिन जो मेरा भाई है वो गुजर चुका है, डेथ हो चुकी है. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इन डीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजिड एंड वॉन. कह रहा मुझे लगा था कि वो बड़े भाई हैं लेकिन ये वही जेसलर थे, लेकिन ये इतने एजिड हो गए थे क्योंकि मैंने इनको देखा नहीं था. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर. और इससे पहले उन्होंने मेरे से कभी अपने भाई के बारे में बात भी नहीं करी. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी. मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा और मैंने बोला आई एम सॉरी. येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड गुड बूट, बट ही इज डेड. एंड ही टच द टॉप हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. तो वो दोबारा ऐसे ही बोले कि अपने सिर पर हाथ रखा जहाँ पे उनके बाल नहीं थे सिर पे. ही वॉज thin, he was not having any hair on his head. और वो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसे शो कर रहे हैं एज इफ ही इज़ वेरी पुअर. तो उन्होंने फिर वो पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए, ये बहुत सुंदर पीस है. I ordered several pairs. तो मैंने उनको काफ़ी सारे pairs order कर दिए. It was very long before they came, but they were better than ever. ठीक है, बहुत अच्छे जूते आए मेरे को. One simply could not wear them out. एक मतलब बार बार मतलब थको ही ना तुम पहन के. इतने सुंदर जूते उन्होंने मुझे बना के दिए. And soon after that I went abroad. और उनके बाद ही मैं मिस्टर जेसलर के वहाँ से चला गया abroad में इतने जूते order करके. ठीक है, it was over a year before I was again in London. एक साल के बाद मैं लंदन में आया. At the first shop I went to was my old friends. तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया. I had left a man of 60. वो उस टाइम 60s के थे. I came back to one of 75, pinched and worn, who generally this time did not at first know me. तो वो मुझे पहचाने ही नहीं 75 age के. Do you want any boots? उन्होंने पूछा. I can make them quickly. It's a black tie.
तो वो बोलते इट्स अ स्लैक टाइम, ठीक है, वो कि अभी मैं बना सकता हूँ ये सब आपके लिए अगर आपको जूते चाहिए। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, जितने भी तरह के हैं वो मुझे सारे चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, इतने अच्छे जूते उन्होंने बनाए। आई फ्ल्यू डाउन स्टेयर्स रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, फटाफट से मैंने उनका चेक लिखा और उनको पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जैसे ही मैं वहां से निकल रहा था आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कहता मैं गया और मैं चाहा कि मैं शॉप के पास से निकल रहा हूं तो जाके उनको बताऊं कि कितने अच्छे जूते उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन, जैसे ही मैं आया तो वो जेसलर ब्रदर्स का नाम नहीं था उस शॉप पे। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मुझे बहुत बुरा लगा। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, मैं आया तो कुछ अलग ही आदमी था वहां पे, मिस्टर जेसलर इन आई सेड, मैंने पूछा, नो सर ही सेड, उन्होंने बोला नहीं है, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, कह रहे हम आपके लिए काम करेंगे आप आइए अंदर, ये शॉप हमने टेक ओवर कर ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर जेसलर, तो उन्होंने बोला डेड बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मैंने लास्ट टाइम ही उनसे लास्ट वीक ही उनसे इतने सारे बूट्स लिए जब मैं वापस आया था, उसने बोला। He said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep starvation, को underline करेंगे, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. कह रहा वो ऐसा था बूढ़ा आदमी, गरीब बूढ़ा आदमी, कि भूखे बैठ के भी काम करता रहता था, किसी और को हाथ नहीं लगाने देता था अपने काम को, वही बनाता था जूते और खाली पेट काम करता रहता था, डॉक्टर बोलते हैं। When he got an order, जब उसको ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, इतना टाइम लगा के फटाफट से वो करने की कोशिश करता था, सब कुछ छोड़ के उसी जूते को तैयार। पीपल वोंट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी, और जो उसके टाइम लगता था उसके काम में, तो वो क्या बोलते हैं, लोग जो थे वो इंतजार नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उसके कस्टमर जो थे वो कम हो रहे थे। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैं बोलूंगा कि उनसे अच्छा कोई भी लंडन में जूते नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, सबसे अच्छा लेदर लाते थे और खुद ही बनाते थे। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज बट स्टारवेशन, उनके लिए क्या था, भुखमरी ही थी, उनको कुछ मिला ही नहीं। दैट मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी, आई यूज टू वॉच हिम, कह रहा मैंने उनको देखा था दिन रात वो एक जूता बनाने में कर देते थे, उसी में लगे रहते थे, उनको और कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि एट फर्स्ट इट वॉज टोल्ड ना, ही वॉज एन, ही सेड कि इट इज़ एन आर्ट, जूता बनाना भी एक कला है। नेवर गेव हिम हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कैसे इतना जी गए, ना उन्होंने कभी पैसा कमाया ना खाना खाया, वो तो सारा जो आता था पैसा वो रेंट देने में चला जाता था। He regularly let his fire go out. रोज वो सारी किस्में करते थे कि अपने काम करने में। He was a character, but he made good boots. वो बहुत अच्छे थे जो कि इतने अच्छे जूते बनाते थे। Yes, I said he made good boots. मैंने फिर उसकी लाइन को रिपीट किया कि हाँ वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। At the last, I want to say कि author was really depressed to know कि देखो इसको भी, इसने तो अपनी तरफ से ऑर्डर भी किए थे बेचारे ने कि मेरी तरफ से उसको पैसे मिल जाए। He sent check to him. इसने ही ट्राइड कि उसको, बट उनको इसको पता ही नहीं था कि इतना कुछ है उनके साथ ना। He was loyal to his work only. उन्होंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं उसके अलावा। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लाइव क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू पोएम ट्रीज, विल से इट इज शर्ली बॉयर। इट इज अबाउट ट्रीज। ट्रीज ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। बर्ड्स भी रहती हैं उस पर, बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पे। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्री हाउस बना के भी बच्चे खेलते हैं, लोग खेलते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर हम अपने झूले टांगते हैं, झूलों में झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, पेड़ हैं तो हवा चलती है हमें, सारे पेड़ों की वजह से हवा मिलती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, अगर हम लोग हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, तो ट्रीज आर बेस्ट फॉर अस टू हाइड। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उन पे हम बैठ के पार्टीज कर सकते हैं, टी पार्टी कर सकते हैं नीचे बैठ के, उनकी शेड में बैठ के। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, इतने बड़े ट्रीज होते हैं कि जो पतंगे उड़ा रहे होते हैं हाइट्स पे, वो वहां पर आके अटक जाती हैं अगर कट के गिरती हैं तो।
ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर. गर्मियों में हमें पेड़ों की वजह से ही इतनी अच्छी शेड मिलती है, छाया मिलती है. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. उन जो विंटर में वो हमें धूप देते हैं, ट्रीज होते हैं, तो हमारे को पूरा अच्छा पेनिट्रेशन सब चीज़ का मिलता है, एटमॉस्फेयर हेल्दी रहता है, एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. सब तरह के फ्रूट्स हमारे ट्रीज से हमें मिलते हैं. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर. अगर हम उनको काटते हैं तो वो टिम्बर लकड़ी हमें मिलती है. ट्रीज मेक मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. अगर हम बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो भी बोलते हैं कि सबसे पहले ट्री बनाओ. ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. कि इतनी सारी पत्तियों को मेरे को उठा के इकट्ठे करना है अगर किसी के गार्डन में हो तो. दिस इज जस्ट टू टेल यू इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, लाइक कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट एवरी वन ऑफ अस नोज दिस कि ट्रीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट टू. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लाइव क्लासेस. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.